हुण मैं इस तों बाद दावते सुखन देंगा अपनी इस मस्जिद दे खतीब हज़रत मौलाना उमर रब्बानी साहब वो तुहाडे नाल हम कलाम होणगे। फाजले नौजवान खतीबे दिशान हज़रत मौलाना उमर रब्बानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला लौला अन्हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا ربك ألا تعبدوا إلا इयाहु वबिल्वालिदैन इहसाना। हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई बड़ाई अक्ताई शहनशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात बबरकत वास्ते दरूदो सलाम पैगंबर बेमिसाल पैगंबर अमन वाली बतहा सैयद कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम दी जात गिरामी दे मुहतरम हजरात सिवाकार अल्हम्दुलिल्लाह जो ये भाई मोहम्मद अतीक दी शादी दे पुर मसर्रत मौके ते अज दा ये दरसे कुरान रखिया गया दीगर अहबाब जिन्हा दोस्तां ने मेहनत मुहब्बत शौक राणा मोहम्मद जहीर साहब और दीगर राणा मोहम्मद आसम साहब
साड़ी मस्जिद की इंतजामिया जिन्होंने अज की इस महफल का बड़े खलूस के नाल इनेकाद किया है। अल्लाह पाक अपनी रहमत के नाल कबूलो मंजूर फरमाए और अल्लाह तुहाडा आना मिल बैठना साडा सारयां दा अल्लाह तेरे बारगाह के अंदर तेरे हजूर बैठ के कुरानो हदीस की मजलस सजाना अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमा के कल क्यामत के दिन साढ़े लिए दरिया निजात बना देना। मैं चंद बातें सिर्फ चूंकि हजरत मौलाना नईमर मान साहब थोड़ी दा लेट ने रस्ते के अंदर को दो चार मिनट गुफ्तगू का तुहाडे नाल मौका मिल गया। इस कायनात के अंदर जिस मुआशरे के अंदर साडा मेरा तुहाडा ताल्लुक है लोग वालिदैन दे बड़े ही नाफरमान बेअदब और गुस्ताख ने आज जरूरत है कि लोगों नू वालिदैन दे हकूक लोगों के सामने उजागर किए जाएं ताकि लोग वालिदैन दे फरमा बरदार माँ बाप की खिदमत इज्जत एहतराम और तौकीर करने वाले बन जान। माँ बाप इस कायनात के अंदर एक ऐसी अजीम नेमत और अजीम दौलत है कि अगर अंदाजा तुसी लगाना है तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर सब तो पहले अपनी जात का ताल्लुक अपनी जात का तारफ फरमाया और बाद दे अंदर अल्लाह ताला ने वालिदैन दे हुकूक नू बयान किया कि इन्हां नाल हुस्ने सलूक किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस सहाबा अर्ज करते ने अल्लाह दे रसूल इस कायनात दे अंदर अफसल बंदा कौन है? फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज नू वक्त ते अदा करना सब तो अफजल अमल है। सहाबा अर्ज करते ने अल्लाह दे रसूल और फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, दूसरे नंबर ते वालिदैन दी इज्जत उसने सलूक तौकीर और तीसरे नंबर ते फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। इन्ना मां बाप दा अल्लाह ने मुकाम इज्जत और वकार बनाया और अल्लाह ताला ने फैसला किया रब्बुल आलमीन दा कुरान सुनो कि अल्लाह पाक ने फैसला किया। अल्लाह पाक फरमांदे ने फरमाया वाका जा रब्बू का अल्लाह ताबदू इल्ला इयाहू वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह पाक दा फैसला है, तर्जमा सुन लो, अल्लाह पाक ने की फैसला किया है, इबादत करनी है ते रब्बे जुलजलाल दी मन्नत मनाउदी, सजदा करना है, रुकू करना है ते रब दे नाम दाद, जानवर जिबा करने ने ते रब दे नाम दे, हर इबादत अल्लाह पाक दी जात वास्ते करनी है, किसी दी जात वास्ते इबादत नहीं करनी। इबादत दा हकदार अल्लाह है, इख्तियारात दा मालिक अल्लाह है, बीमारियां तो शिफा देने वाला अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हर इबादत दा हकदार अल्लाह है। वा बिल वालिदैन इहसाना, दूसरे नंबर ते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है
कि मापियां दी खिदमत करनी है, मापियां दे नाल हुस्ने सलूक करना है, मापियां दी इज्जत ते तुकीर करनी है, मापियां दे नाल अदब दे नाल पेश आना है। अपने जनाब इन्हां कंधियां नूं मापियां दे सामने इज्जत लई झुका देना है, उन्हां दे सामने उफ भी नहीं करनी, इजहारे अफसोस भी नहीं करना। आइए जरा ध्यान कीजिए कुरान की आंदा है, फरमाया वाला तन हर मां ते उन्हां नूं चिड़कना भी नहीं, उन्हां दियां बीमारियां वेख के उन्हां दियां परेशानियां वेख के परेशान नहीं हो जाना, बल्कि उन्हां वाले दैन दे सामने उन्हां दे सामने झुक के उन्हां दियां खिदमतां करनियां ने। बल्कि उन्हां लई कुरान अंदर अल्लाह पाक ने जो ऐलान फरमा दिता है उन्हां लई दुआवां भी करनियां ने, उन्हां लई अच्छियां दुआवां भी करनियां ने। वाकुर रब्बिर हमहुमा जिन्हां दे मां बाप दुनिया तो फौत हो गए ने, मैं दुआ करना जिन्हां दे मापे फौत हो गए ने उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दियां क्यारियां बना छड़े, जिन्हां दे हयात ने अल्लाह सेहत ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। और अल्लाह अज दे साडे सारे नौजवानों नूं मां बाप दा खिदमत गुजार बनाए। इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीना पाक ते कुरान ने फरमाया वक्र रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बा ऐ मेरे मापे मेरे नाल बड़िया मुहब्बत करन वाले, अल्लाह इन्हां मैनू बड़िया मुश्किलां दे नाल पालिया सांभिया, अल्लाह मैं तेरे अगे दुआ कर रहा अपनिया रहमतां फरमाए, ए अल्लाह इन्हां नूं माफ कर दे, जाए अच्छियां दुआवां करनिया ने, मां बाप दे नाल हुस्ने सलूक करना है। कुरान पाक दी इस आयत तों पता लग्या कि मां बाप दी ना फरमानी नहीं करनी, मां बाप दा दिल नहीं दुखाना। अल्लाह पाक दे कुरान ने मां बाप दे नाल मंदा बोलन तो मना कीता है, बोलना है ते सोहनी गुफ्तगू करनी है, अच्छे अंदाज नाल सोहने अंदाज नाल गल्लां करनियां ने। आओ दरा मुहब्बत दे नाल सही बुखारी दी रवायत पढ़ देवां। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना दिलाल दे प्यारे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अनु फरमांदे ने, इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा क्या मैं तुहानू कबीरा गुनाह दे बारे ना दसा। जी आका जरूर बयान फरमाओ केड़ा बड़ा गुनाह, तवज्जो मेरी तरफ केड़ा बड़ा गुनाह है। अल्लाह दे नबी जी सानू अगा फरमाओ। इमामे कायनात ने फरमाया इस कायनात के अंदर सब तो बड़ा कबीरा बड़ा गुनाह शिरक बिल्लाह, अल्लाह पाक दी जात नाल शिरक करना, अल्लाह पाक दी जात नाल शिरक करना सब तो बड़ा गुनाह है। सहाबाए इकराम चौंके बैठ गए, ए प्यारे महबूब जी दसो ना दूसरा केड़ा बड़ा गुनाह है। इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने जड़ा बंदा मां बाप दी ना फरमानी करदा जो जरूरत है मेरे मुआशरे दे अंदर, इस वास्ते मैं इस मौजू दा इंतखाब कीता है। अज लोग मां बाप दे ना फरमान ने खुदा दी कसम बाबा रोंदा है ते रोंदा रह जांदा है, बुढ़ी मां सारी रात रोंदियां गुजार दिंदी है, हाय नौजवानां नूं अज की बन गया आए। अज जनाब बाप दा भी ना फरमाने, मां दा भी ना फरमान ना फरमाने। असनो तरा त्याम दे नाल आमिना दे लाल ले सलातो सलाम ने फरमा दिता है, हुजूर दा कलमा पढ़ने वालो मदनी सरकार दा बयान है, मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा मां बाप दी ना फरमानी करदा है लोगो रब दी जात तो शिरक अल्लाह पाक दी जात
शिरक करन तो बाद इस कायनात दे अंदर सब तो बड़ा गुनाह मापियां दी ना फरमानी करना है, मापियां दे नाल बदसलूकियां करनिया ने। मेरे बाग पैगंबर टेक लगा के बैठे ने, असनो जरा ध्यान दे नाल, मेरे बाग पैगंबर उठ के बह जांदे ने। और तीसरी जड़ी गल मेरे पैगंबर ने फरमाई है, तवज्जो मेरी तरफ, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मुर्शिद पाक फरमांदे ने, झूठी गल या झूठी गल दी गवाही देना है। अज जनाब अदालत अंदर थोक दे हिसाब नाल लोग मिलणगे, दो चार पांच सौ दी खातर झूठियां गवाहियां दवा लो, झूठियां गवाहियां दे जांदे ने। मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा झूठी गल दी गवाही देंदा है या झूठी गल करदा है, अल्लाह पाक ने उस बंदे नूं बर्बाद कर दिता है, उस बंदे ने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया है। सुनो जरा 29 जग दे दीवाने हो, मेरे बाप पैगंबर ने फरमाया, ओ बंदा जेड़ा झूठी गल दी तस्दीक करदा या झूठी गल दी गवाही देंदा है, ओ बंदा जेड़ा झूठी गल करदा या कोई झूठी गल दी गवाही देंदा है, सुनो जरा ध्यान नाल, ये तीन तीसरा काम फरमाया बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इहदे अंदर दूसरे नंबर ते जो मैं दसना चाहना है, ओ जनाब अल्लाह पाक दी जात तो बाद सब तो बड़ा जनाब अगर गुनाह है ते मां बाप दी ना फरमानी करना है। आओ जरा ध्यान करिया जे, अल्लाह पाक ने मां बाप दी ना फरमानी तेरे मेरे ते हराम कर दीती है, अल्लाह पाक ने तेरे मेरे ते हराम कर दीती है। आओ इब्ने खिबान दी हदीस सुनावा, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद की गल, थके थके जे दुरूद ते पढ़ो सल्लल्लाहु, सारे बोलो सारे, अजे ते कारी साहब ने आना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर दे कोल एक बंदा आया, मेरे मुर्शिद पाक दा कलमा पढ़िया है, हुजूर दा कलमा पढ़िया है। मेरे पाक पैगंबर दा कलमा पढ़न तो बाद मैं आंदा की आंदा, सोने महबूबा मैं दिलों तईद कर ली, दिनों मन लिया है अल्लाह दी इबादत करनी है, नजरों नियाद इबादत दा हकदार सिर्फ अल्लाह है, तुसी अल्लाह पाक दे आखरी नबी हो। सुनो आखरी रसूल मन लिया है, ए महबूबा मैं नमाज़ पढ़दा रवांगा, रमजान दे रोज़े रखदा रवांगा, ज़कात अल्लाह पाक ने तौफीक दीती, हिम्मत अगर मेरे को साहबे इस्तेदात होया ते मैं ज़कात भी अदा करदा रवांगा। और सुनो लोगो, इमाम कायनात ने फरमाया है, मेरे बाग पैगंबर फरमांदे ने, ओए कायनात दे लोगो फरमाया, मेरे सहाबा जड़ा बंदा उठ के गया है, अगर ये बंदा कम एक कम करदा रवे ते कल कियामत दे दिन जन्नत दे अंदर ए नबियां दे नाल सिद्दीकीन दे नाल दादे नाल इंज होएगा जिवें आ इक हाथ दियां दो उंगलां नाल नाल ने। सहाबाई कराम जाऊंगे वेखण लग पे, मेरे बाग पैगंबर ने जड़ी अगली गल दसी, सुनो जरा दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरे बाग पैगंबर फरमाते ने, सहाबियों पर शरत वे शरत वे, इन नबियां दा साथ जरूर मिलेगा, सिद्दीकीन दा साथ जरूर मिलेगा, पर शरत वे, सुनो जरा ध्यान नाल, अज मैं तू दिन रात कुरान सुनने हदीसां सुनने वाज सुनने, पर तेरे मेरे ते कदी असर नहीं होया। ऐ नबी पाक दे सहाबा ने जदों इतनी बात सुनी कि शरत की है, चौंके ला दे नबी जी जल्दी दसो शरत की है। मेरे मुर्शिद पाक फरमांदे ने, ए मेरे सहाबा, अगर ये बंदा अपने मां बाप दा ना फरमान नहीं ना करे, अगर ये बंदा अपने मापियां दी ना फरमानी ना करे,
जन्नत दा हकदार होएगा, जन्नत अंदर नबियां दा साथ मिलेगा, सिद्दीकीन दा शहादा दा साथ मिलेगा। असनो जरा ध्यान नाल ओए लोगो पता है लग्या, जेड़ा बंदा मापिया दी ना फरमानी करदा है ओदे नमाजा बेकार ने, ओदे हज बेकार ने, ओदे उमरे बेकार ने, ओदियां इबादतां बेकार ने, ओदियां नेकियां बेकार ने, ओदे सारे खैर दे कम बेकार ने। अगर मां बाप दा ना फरमाने ओ नौजवानो ओए उन्नती जग दे वासी ओ जरा कन खोल के सुन लो, नमाजां पढ़ दियो तद कबूल होण गियां। अगर घर अंदर मापे राजी ने, अगर मां बाप नाराज ने, ते फिर सुनो जरा ध्यान नाल, कोई खैर दा अमल, कोई नेकी, कोई नमाज, हज कबूल नहीं। ओए मैं अन्ना कायनात दियो लोको, अगर कोई बंदा चाहुंदा है मां दी कबूलियत हो जाए, अपने मां बाप दी फरमा बरदारी करया करे। अगर कोई बंदा चाहुंदा है मेरी जिंदगी अंदर सुख आ जाए, मेरी जिंदगी पर सुकून हो जाए। अज लोग जनाब वजीफे पूछते ने, हजरत जी कोई वजीफा दस दो, मैं बड़ा परेशान हाँ, कारोबार नहीं चलते, मैं फलाऊ दरगाह ते गया वा, मैं फलाने मौलवी को तवीद भी ले आए, मैं फलाने वली दी दरगाह ते भी गया वा, मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरी दुकान नहीं चलती, दिन ब दिन डिगदा जा रहा, बड़ा परेशान दुखी हाल हाँ। ओए लोगो मैं आना, अगर तेरे मापे घर अंदर जिंदा ने, खुदा दी कसम खा के आना, सब तो बड़े इस कायनात अंदर वली तेरी मां ते तेरा बाप है, उन्हां दियां खिदमतां करके उन्हां कोलों दुआवां लिया कर, उन्हां दियां खिदमतां करके उन्हां कोलों दुआवां लिया कर, उन्हां दी खिदमत करें गल्ला बाग बाग लाल माशाल्लाह। कारी मोहम्मद नईम अरमान शेखपुरी हाफिज़ाहुल्लाह ताला तशरीफ लाए ने, नारा तकबीर, कारी मोहम्मद नईम अरमान शेखपुरी, अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। बस इन्हां तक ही मैं दो चार मिनट जिहड़ियां गल्लां करनियां सी। अगर कोई बंदा चाहुंदा है सुख मिले, चैन मिले, ते सुन लै तरा, फिर नुस्खा लै लै, वजीफा लै लै, लोड़ तैनू बंदे अज सुख चैन दी, करिया कर खिदमत वाले दिन दी, लोड़ तैनू बंदे अज सुख चैन दी, करिया कर खिदमत वाले दिन दी। मापे नाराज ते ओ लोग जिन्हां दे मां बाप नाराज ने, ओए मापे नाराज ते मना लै बंदे आ, प्यार दियां जफियां तो पा लै बंदे आ, विच जन्नत दे कोठियां बना लै बंदे आ, थां तैनू मिले रहन सहन दी, लोड़ तैनू बंदे अज सुख चैन दी, करिया कर खिदमत वाले दिन दी। अल्लाह पाक मैनू तुहानू मां बाप दा फरमा बरदार बनाए, जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह खिदमत दी तौफीक नसीब फरमाए, जिन्हां दे मापे दुनिया तो फौत हो गए ने, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उन्हां दियां कबरां नू जन्नत दा बाग बनाए। अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह अहसन अलजज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। माशाअल्लाह इह सन साडी मस्जिद दे खतीब फाजले नौजवान खतीबे दिशार हज़रत मौलाना उमर रब्बानी साहब, जो माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज दे नाल शाने वालदैन बयान कर रहे सन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां दी जिंदगी दे अंदर बरकतां दा नज़ूल फरमाए। अल्लाह सोहणा इन्हां नूं इलम और बा अमल भी बनाए।